हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश शर्मा एचआर रियल्टर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 140 गज में बना हुआ डुप्लेक्स विला है। नॉर्मली आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि हमने जो भी आपको वीडियोस दिखाई हैं 200 या 250 गज में हमने 4 बेडरूम है। आज मैं आपको 140 गज में घर दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही स्पेशियस है और 4 बेडरूम है। नॉर्मली इस साइज में आपको 4 बेडरूम शायद ही देखने को मिलता हो। तो फ्रेंड्स, और इस घर की जो फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग घर है ये, और डायमेंशन जो इसकी रहेंगी 25x50 की इसकी डायमेंशन रहेंगी। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारी एंट्रेंस है, और इसका जो पॉर्च एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 11x15 का इसका पॉर्च एरिया है, जहाँ पर आप एक अपने नॉर्मल साइज की कार इजिली पार्क कर सकते हैं। और इवन इसकी जो फ्रंट में जो आप रोड देखेंगे ये 40 फिट की रोड है। और सारी सोसाइटी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी सोसाइटी बनी हुई है यहाँ पे। और विला की राइट हैंड साइड में आपको जगह मिल जाती है अपने 2 व्हीलर पार्क करने के लिए। और अगर इसका आउटर लुक देखेंगे पूरा टाइल वर्क है इसमें, जिससे कि फ्यूचर में मेंटेनेंस की आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन एंट्रेंस के स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे यहाँ भी टाइल वर्क है। और यह है हमारी मेन एंट्रेंस। ये हमारा मेन डोर है, आप देख सकते हैं डिजाइनर डोर है, काफी हैवी डोर है। और जैसे ही हम विला में एंटर करते हैं ये आ जाता है आपका ड्राइंग एरिया। इसकी फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर विद वुडन वर्क इसकी फॉल सीलिंग है, विद एलईडी लाइट्स, कंसोल लाइट्स आपको मिल जाती हैं इसमें। और इस पूरे ही वॉल पे आपको वॉलपेपर मिल जाता है। आप इसका साइज देख सकते हैं काफी स्पेशियस है। और यहीं आपको विंडो मिल जाती है, तो जो नेचुरल लाइट है या आपकी वेंटिलेशन है वो प्रॉपर आपको मिल जाती है आपके ड्राइंग रूम में। और एसी की जितनी भी फिटिंग्स है, फिटिंग्स आपको पूरे ही घर में एसी की फिटिंग्स मिल जाती हैं। और इसको आप एज ए अपना डाइनिंग एरिया यूज कर सकते हैं। और यहां पे भी आप देख सकते हैं यहां आपको स्पेस मिल जाता है, आप इसमें इजिली अपना सामान रख सकते हैं। और ये शोकेस आपको मिल जाता है, इसमें कुछ भी आप फ्लावर पॉट या कुछ भी यहां पे रख सकते हैं आप। और ये है आपका किचन, मॉड्यूलर किचन। सभी जो कैबिनेट्स है इसके हाइड्रोलिक कैबिनेट्स रहेंगे। और जो भी ड्रॉर्स हैं ये सभी सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको मिल जाते हैं। ये जो स्पेस आपको दिया है आपके फ्रिज के लिए स्पेस है। और फॉल सीलिंग की मैं बात करूं, वुडन की फॉल सीलिंग आपको किचन में भी मिल जाती है, थोड़ा सा एक लुक्स आपको एनहांस करने के लिए किचन के लुक को। और किचन में भी आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर सनलाइट के लिए। इस कॉर्नर पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे वुडन के कैबिनेट्स बने हैं, इसमें आप अपना फ्लावर वाज, अपने फोटो फ्रेम्स, इसको कुछ भी किसी तरह इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। और ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। वॉलपेपर, एक वॉल पे आपको वॉलपेपर मिल जाता है। और ऊपर आप देख सकते हैं काफी एक्सेस में वुडन का वर्क है आपकी फॉल सीलिंग पर। और ये आपका एलईडी पैनल, काफी डिजाइनर एलईडी पैनल है। और यहां पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं इसके अंदर। इसकी जो स्टोरेज है वो सेपरेट रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपको इसकी अलमीरा मिल जाती है, फुल हाइट अलमीरा है, ताकि जो स्टोरेज है वो आपको एक्सेस स्टोरेज मिल सके,
कोई छोटा बच्चा भी आपके घर में है तो वो इजीली इसको अपने जो कपड़े उसको हैंग कर सकता है। और ड्रेसिंग एरिया आपको इसमें मिल जाता है। और ये है आपका वॉशरूम। वॉशरूम की जो भी फिटिंग्स रहेंगी सभी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी। और इसी रूम से आपको एंट्रेंस मिल जाती है आपके बैकयार्ड के लिए एंट्रेंस। और यह है आपका वॉशिंग एरिया। ये ओपन है पूरा ताकि आपको जो आपके रूम के लिए वेंटिलेशन आपको जो क्रॉसिंग होती है हवा की वो आपको इजीली यहां से मिल जाती है। तो ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एक ही बेडरूम रहेगा और ये इंटरनल स्टेयर्स हैं। अगर आप स्टेयर्स के ऊपर देखेंगे आपको यहाँ पर भी फॉल सीलिंग मिल जाती है डिज़ाइनर। और नेचुरल लाइट के लिए हमने अलग से स्पेस दिया है विद टफन ग्लास ताकि डे टाइम में आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना पड़े आपके कॉमन एरिया में। यह आपका कॉमन एरिया है, इसको एज ए आप फैमिली लाउंज एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी अगर फॉल सीलिंग देखेंगे इसमें भी सेम जैसा हमने नीचे देखा था विद वुड वर्क। और यह है हमारा सेकंड बेडरूम। जैसे हमने नीचे बेडरूम देखा है सेम कंसेप्ट है इसका भी, फॉल सीलिंग डिजाइनर विद वुड वर्क। स्लाइडिंग अलमीरा इसमें आपको मिल जाती है। और उसी के साथ हमने एक छोटा सा आपको ड्रेसिंग एरिया दिया है। एलईडी पैनल आपको इसमें मिल जाता है। और यह है इसका अटैच वॉशरूम। आप देख सकते हैं जो वॉशरूम जो भी हैं इसमें काफी स्पेशियस हैं। और इस बेडरूम से जो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है बैक बालकनी उसकी आपको एंट्रेंस मिल जाती है। और रूफ पर जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं वो भी आपको यहीं से दी गई हैं। और ये है हमारा थर्ड बेडरूम। इसको आप किड्स बेडरूम भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा साइज में छोटा है ये बेडरूम। इसमें भी आपको अलमीरा मिल जाती है, अलमीरा का साइज छोटा रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम इसको एज ए किड्स रूम हमने इसको तैयार किया है। ये इसका वॉशरूम। और ये है हमारा फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम। इसमें भी आप देखेंगे आपको एक वॉल पर वॉलपेपर मिल जाएगा। फॉल सीलिंग अगर आप देखेंगे इसमें भी विद वुड वर्क फॉल सीलिंग है। और इसमें जो एलईडी पैनल है थोड़ा सा और जो बेडरूम्स हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा छोटा एलईडी पैनल है इसमें। और इसमें जो स्टोरेज एरिया है वो हमने सेपरेट दिया है। और इसका जो वॉशरूम है वो जो किड्स एरिया वाला वॉशरूम है और इस बेडरूम का जो वॉशरूम है वो दोनों एक ही वॉशरूम है। और इस रूम से आपको एक्सेस मिल जाती है आपको फ्रंट बालकनी के लिए। फ्रंट व्यू आपको मिल जाता है इस रूम से। तो फ्रेंड्स ये था 140 गज में बना हुआ डुप्लेक्स विला
जैसा कि आपने इसे अंदर से देखा, हमने कोशिश की है इसको पूरा मॉडर्न लुक देने की, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप इसे अंदर से देखेंगे काफ़ी ये स्पेशियस है। 140 गज में 4 बेडरूम, और उसके बाद भी इतना स्पेस बच जाता है, ना इसमें कोई आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, ना ही कोई नेचुरल सनलाइट की प्रॉब्लम है। और गाइस, लोकेशन की अगर मैं बात करूं, सेक्टर 125 सनी इनक्लेव मोहाली में ये स्थित है, जो कि चंडीगढ़ से काफ़ी क्लोज है। KFC गोपाल्स, जो इसका काफ़ी बड़ा लैंडमार्क है सनी इनक्लेव का, उससे काफ़ी क्लोज पड़ जाता है ये। गाइस, इसकी लोकेशन है सेक्टर 125 सनी इनक्लेव मोहाली। और इस विला के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या आप इस विला को विजिट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।